अंजुम का मेकओवर। एक अंजुम और रूप अनेक, दो वेस्टर्न और दो इंडियन लुक। कुंडली भाग्य की सृष्टि यानी अंजुम फाकी, जिन्होंने खतरों के खिलाड़ी में स्टंटबाजी की, अब करा रही हैं अपना फोटोशूट। अंजुम की पर्सनालिटी ऐसी है कि उन पर दोनों लुक्स फिट होते हैं, इसलिए आज उन्हें मुंबई के मशहूर स्टाइलिस्ट मोहित कपूर ने दिए हैं चार अलग अलग लुक्स। लहंगा, साड़ी, रेट्रो डेनिम लुक और एक स्ट्रीट वेयर हाई फैशन लुक। सारे लुक्स में अंजुम ने अपनी अदाएं दिखाई, बेहतरीन तस्वीरें खिंचाई और अपना स्वैग पेश किया। अंजुम का खास मेकअप किया है सलीम ने और इनके फोटोग्राफी कर रहे हैं मनोज जैन। तो ये सारे नज़ारे लेकर आया है सास बहू और बेटियां। तो आज देखते हैं कुंडली भाग्य की सृष्टि का एक अलग अंदाज। स्ट्रीट वेयर एवरीडे फैशन भाई, अंजुम का पहला लुक काफी कैजुअल है, लेकिन उसके लिए सही मेकअप होना जरूरी है। इससे सलीम उनकी मेकअप को सेट कर रहे हैं। सबसे पहले चेहरे का बेस, आई मेकअप, कॉन्टोरिंग और उसके बाद बालों की स्टाइलिंग। और अब अंजुम का मेकअप हेयर रेडी है और वो अपने पहले लुक की तरफ बढ़ रही हैं। अंजुम का पहला लुक है डेली स्ट्रीट वेयर लुक। इसके लिए उन्होंने ब्लैक कलर की एक कैजुअल ड्रेस ली है, जिसे मोहित ने अलग अलग जगहों से सोर्स किया है। ये ड्रेस पहनकर अंजुम रेडी है और इसके बाद मनोज जैन ने उनके अलग अलग एंगल्स को क्लिक किया। आज मैंने स्पेशली ऑफ लिया है कुंडली से, क्योंकि बहुत वक्त से यू नो आई वॉज थिंकिंग आई शुड गेट अ फोटो शूट डन। तो आज वो मौका मिला है मुझे और हम यहाँ पर आए हैं इन दिस ब्यूटीफुल स्टूडियो एंड अ वेरी अमेजिंग एंड अ हार्ड वर्क डेडिकेटिंग पर्सन आई मेट टुडे। और मैं कुछ दिनों से इनके साथ टच में थी, जो हमारे आज के स्टाइलिस्ट हैं मोहित। हेलो जी, कैसे हैं? आई थिंक इट्स आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट and I was really excited to work with Mohit, क्योंकि मैंने इनका profile भी देखा है social media पे। आप बहुत ही उम्दा और आपका काम भी बहुत amazing है। So we are starting with the first western, then we'll be going to Indo-Western and then complete Indian we'll be going, but yeah, we are having a nice time. ऐसे कपड़े आप फ्री स्टाइल आप स्ट्रीट्स पे भी देखेंगे लड़कियों को पहनते हुए। बूस्टी और ब्राज आर इन ट्रेंड नाउ, जैकेट्स ट्रेंड में है और शॉर्ट्स और हाई हील्स। तो ऑफकोर्स आज मैं 6'6" 4" हो गई हूँ, क्योंकि आज मैंने हील्स पहना है। नॉर्मली आई अवॉइड हील्स, बट मोहित ने बोला था प्लीज़ हील्स कैरी कर लेना, तो मैंने हील्स कैरी कर ली। हाँ जी, बड़ा ही कैजुअल सा लुक है, बड़ा ही अमेजिंग सा वाइब, बहुत अच्छी है। सो या आप लोग प्लीज़ यहीं पे बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, बिकॉज आगे और लुक्स आने वाले हैं। अंजुम अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी, इसलिए कैमरे को फेस करना वो अच्छे से जानती हैं और उन्होंने भी अपने अलग अलग पोजेस कैमरे को दिए और इस तरह कम्पीट हुआ ये लुक। व्हाइट साड़ी वाला लुक भाई, अगला लुक है इंडियन। इंडियन लुक में ये साड़ी पहननी जरूरी है और इंडियन लुक आता है इस साड़ी के साथ। और अगर साड़ी व्हाइट हो तो बन जाती है चांदनी। तो अंजुम कुछ इस स्टाइल में चांदनी बनी और अपना दूसरा लुक कंप्लीट किया। डेनिम रेट्रो लुक
भाई आजकल रेट्रो और बैगी जीन्स का जमाना है, इसलिए जीन्स वीन्स पहनकर डेनिम के साथ एक बेहतरीन रेट्रो लुक क्रिएट होता है जो बहुत ही ट्रेंडिंग है। मोहित कपूर ने अलग अलग जगहों से सोर्स करके अंजुम को दिया ये रेट्रो डेनिम वाला लुक, जहां पर अंजुम का टॉम बॉय स्वैग नजर आया। जी हां, अंजुम कूल है और बिंदास है और उनके इस ड्रेस में उनका वही लुक देखने को मिला जो शायद उनके सीरियल कुंडली भाग्य में तो नहीं दिखता लेकिन हाँ खतरों के खिलाड़ी में जरूर दिखा था। सो दिस इज माई सेकेंड कैजुअल लुक, बहुत ही क्या कहते हैं नेचुरल और ब्रीजी हमने ये लुक रखा है। थोड़े से बाल हमने कर्ल किए हैं एंड देन बैगी जैकेट विद अ बूस्टियर ब्रा एंड अ जीन्स, तो काफ़ी कूल लुक है। एंड ऐसे पोर्टफोलियो जो पिक्चर्स होते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं क्योंकि किरदार जो है मेन किरदार वो है चेहरा, तो चेहरा ब्यूटीफुल हो किरदार ब्यूटीफुल हो तो पिक्चर्स भी अच्छे आते हैं। सो दिस माय सेकंड लुक एंड दिस इज़ डन एक्चुअली। और अब हम चलेंगे एथनिक वेयर पे, अब हम इंडियन वेयर में जाएंगे और उसके बाद मुझे देखना है कि जो आपको ये प्लेन बैकग्राउंड दिख रहा है, पिछले भी शूट में हमने वाइट बैकग्राउंड रखा था और जो हमारे फोटोग्राफर सर हैं उन्होंने ये येलो बैकग्राउंड रखा है विच गोज़ वेरी वेल विद द आउटफिट विच आई हैव वोन। तो अभी चप्पल तो मत दिखाओ यार, ये तो मैंने ऐसे ही पहन ली है। बट नेक्स्ट जो इंडियन वेयर है उसका अमेजिंग ये होगा, पूरा बैकग्राउंड पूरा सेटअप बहुत अमेजिंग होगा, मेकअप अलग होगा, हेयर अलग होगा, ड्रेस इतना खूबसूरत है, अनारकली है या साड़ी है, आई डोंट नो, I'll have to check it. So yeah, stay tuned. लहंगे वाला ब्राइडल लुक। सीरियल कुंडली भाग्य में अंजुम ने कई बार इंडियन अटायर पहना है, शादी के सीक्वेंसेस हो या फिर हो नाच गाने के सीक्वेंस, लेकिन आज फ्रंटिया फगवाड़ा का ये लहंगा पहनकर अंजुम एक बार फिर से दुल्हन बनी, लेकिन दुल्हन जो कॉकटेल पर डांस करेगी। जी हाँ, देखिए इस लहंगे को पहनकर अंजुम कैसे कभी बैठकर कभी खड़े होकर अलग अलग पोजेस दे रही हैं। भाई इंडियन लहंगे वाले लुक में उनकी हाइट काफ़ी हेल्प कर रही है और अपनी इस हाइट के साथ और स्वैग के साथ कुछ इस अंदाज में उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया। तो चलिए करते हैं अंजुम से खास मुलाकात। कुंडली भाग्य से खतरों के खिलाड़ी तक अंजुम ने इतने रूप बदले हैं कि मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट नागिन करने वाली हूं, मैं नागिन कर भी चुकी हैं। तो इतने रंग बदलती हो अंजुम, अब कौन सा रंग देखना बाकी है? देखिए मेरी पर्सनालिटी और कैरेक्टर ही ऐसा है कि बहुत सारे खूबसूरत रंग हैं मुझ में और वही सब आप लोगों को दर्शकों को दिखाते रहती हूँ, कभी कुंडली भाग्य के जरिए कभी खतरों के जरिए, तो काफ़ी रंगीली हूँ एज अ पर्सनैलिटी। तो आई थिंक अभी आने वाले यू नो एपिसोड्स में भी बहुत से तड़ाके भड़ाकेदार आप कुंडली भाग्य में मुझे देखने वाले हैं ऐसे किरदार में ऐसे रंग में। और आज तो मैं बिल्कुल परियों के देश वाले रंग में रंग चुकी हूँ, तो आज फोटोशूट है एंड थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग माई फोटोशूट अमित। अमित हमारे बहुत ही अजीज दोस्त हैं और इनका अभी जस्ट बर्थडे गया, सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे अमित। थैंक यू अंजुम, और अंजुम का आने वाला है। हाँ जी, यू आर अ सितंबर चाइल्ड। हाँ जी, हम ऑल वी आर कन्या राशि वाले वर्गोस रॉक। यस, नाउ मोस्ट ऑफ द मॉडल्स आर आल्सो गेटिंग इनटू एक्टिंग और उसके उस वजह से आई थिंक बहुत सारे आई थिंक हाइटेड लोग आपको टीवी में भी देखने मिल जाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई हैं हाइटेड लोगों के लिए, शायद पहले नहीं थी, अभी हो चुकी हैं, तो यस वी आर वेरी ब्लेस्ड। तो ये हमारा आखिरी लुक था, तो अब मैं आपको मिलाता हूँ उन लोगों से जो पर्दे के पीछे उन्होंने पूरे लुक साकार किया, तो मैं चाहता हूँ एक एक करके सब लोग आ जाए अंजुम। पहले तो मैं बुलाना चाहूँगी आज के हमारे स्टाइलिस्ट को मोहित। मोहित प्लीज़ आइए आप। ये है मोहित जिन्होंने आज ये शूट में हेल्प किया है। हम एक हफ्ते से डिस्कस कर रहे थे अमित कि हम कैसा शूट करेंगे क्या करेंगे, तो मोहित वांटेड टू डू एथनिक, मैंने बोला थोड़ा कैजुअल भी रखते हैं यार, तो विल हैव बोथ बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। तो बहुत अच्छा काम किया है आपने, मैं इनके साथ पहली बार काम कर रही हूँ
और थैंक यू सो मच फॉर टुडे. तो मोहित है और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगी सलीम को जो हमारे मेकअप एंड हेयर. हेलो जी, हाउ आर यू? बहुत ही उम्दा काम किया है सलीम ने भी और बहुत अच्छे से हर लुक मोहित के साथ डिस्कस करके इन्होंने लुक क्रिएट किया है और लुक स्टाइलाइज्ड उस हिसाब से किया है जिस तरह से मेरे कपड़े थे. कैजुअल में अलग लुक रखा है, मेकअप और हेयर का, और एथनिक में अलग रखा है. लेकिन मैंने थोड़ी सी चोरी कर ली, मैंने बोला यार इतना मत मेरे बालों को तकलीफ दो, थोड़ा लाइक यू नो विल जस्ट. बट या, हाउ आर योर एक्सपीरियंस विथ मी? आई थिंक शी वॉज वेरी कूल, शी वॉज ओपन टू आइडियाज़. यानी वो ये नहीं बोल रहे थे ये मत करो वो मत करो, शी हैड सर्टन थिंग्स ऑन माइंड के मुझे ये चाहिए, बट उसके अगेन बियॉन्ड अगर कुछ अच्छा लगे मुझ पर तो यू ओपन टू डू इट. सो शी वॉज वेरी फ्लेक्सीबल, वेरी स्वीट, कोई ज़्यादा लाइक यू नो एटीट्यूड नहीं, नथिंग. दिस इज द फर्स्ट टाइम वर्किंग विथ हर एंड आई हैड अ फैबुलस टाइम. थैंक यू. As I told you in start, we are working for first time. Amazing experience. ये हरी लुक, हर लुक में बहुत खूबसूरत लगती है, चाहे फिर वो इंडो वेस्टर्न हो, वेस्टर्न हो. मॉडल हूँ ना मैं. तो मैं बिंदास. तो आज हम उनको एक जाकिर भाई, आई मीन जाकिर खान और विजय वर्मा का एक कोई तो मैंने क्लिप देखी थी आई थिंक, तो उसमें ना मुशायरे चलते रहते हैं. तो मैं वही थोड़ा ऐड करना चाहूँगी कि कैजुअल लुक में भी अमेजिंग लगूंगी और एथनिक वेयर में भी अमेजिंग लगूंगी क्योंकि मॉडल हूँ ना मैं. तो हम आपको आपके मॉडलिंग वर्ड में वापस ले आए. और मैं बुलाना चाहूँगी हमारी पीआर टीम से, अच्छा नहीं, मैं बुलाना चाहूँगी अनु जी को जो हमें असिस्ट करती है. अनु जी आइए प्लीज़. उन्होंने बहुत मुझे स्टाइल करने की क्या कहते हैं हेल्प की है उन्होंने. अनुजी कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन अनुजी ने कुंडली भाग्य देखा है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वांट टू कॉल दी फोटोग्राफर सर जो हमारे हैं, मनोज जी प्लीज आइए. सो मनोज जी इज एन एस फोटोग्राफर, उन्होंने बहुत सारे सेलेब्स के साथ काम किया है और आज मुझे पहली बार मौका मिला कि इनके साथ काम करने का. मनोज जी प्लीज़ मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें बोलिए. अनिस हम लोग ने बहुत बार काम किया, मैंने, मोहित सब ने जी. इनके साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं हम, तो इट्स वाज नाइस वर्किंग. इट्स ज्यादा टाइम नहीं लगाया मैंने. नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे से किया आपने. सही सब कुछ कर लिया ना. मॉडल जैसे नहीं था पर अच्छे से था आपका. प्रॉपर चाहिए मुझे, एक्ट्रेस जैसा था आपका. एक्ट्रेस जैसा था, एक्ट्रेस वाला था, एक्ट्रेस वाला फील था. दैट्स व्हाई मैंने सुना कि बोले थे मोर कैंडिडेट. हां हां, कैंडिडेट कर रहा क्योंकि मॉडल्स के वो नहीं आएगा जो उसमें, जो एक्ट्रेस के जो आते पीछे ज्यादा अच्छे रहते एक्सप्रेशन लेके, वो उसके पीछे और बेटर हो जाते उससे. तो काफी फ्लेक्सिबल था एवरीवन आई थिंक, सलीम से लेके सर, हमारे मनोज सर से लेके, मोहित से लेके, एवरीवन वाज वेरी फ्लेक्सिबल और हम एक दूसरे को एडवाइस और सजेशंस दे रहे थे. और ऐसे हमारा आज जो शूट है वो सम अप पूरा कंक्लूड हुआ है. सो वेरी थैंक यू. तो ऐसा रहा अंजुम फाकी का ये फोटोशूट जो सास बहू और बेटियां खास आपके लिए लेकर आया. सीरत कुंडली भाग्य में ड्रामे के सीन हो या फिर खतरों के खिलाड़ी में स्टंटबाजी, अंजुम ने ये सब किया है. अपने 14 साल के करियर में अंजुम ने ढेर सारे सीरियल्स और रियलिटी शोज में काम किया, लेकिन अब वो इस मकाम पे है जहाँ वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन गई है और सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती है. आज इस फोटोशूट में उनकी यही वर्सेटिलिटी देखने को मिली. मुंबई से वहादत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हाँ, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल सास बहू और पीटिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें. बस नाम तो है सास बहू और पीटिया.